कि भाई हम सबको लग रहा था कि हम सब इस चुनाव में अपने मुद्दों के साथ लोगों को गोलबंद कर दिए। फसल अच्छी थी खेत में, काटने के पेड़ चोरी कर गए लोग, तो उस चोरी को रोकने में हम सब नाकाम रहे और बस चोरी का माध्यम धनबल था, कोई दूसरा नहीं था। वह जो धनबल था उसमें वो सफल हुआ, जिस कारण से थोड़ी सी चूक हुई। हमें लगता है कि वह जो तीन अंतिम दिन था, अगर वहाँ हम सब सफल हो जाते उस चोरी को रोकने में, तो आज परिणाम अपने पक्ष में रहते। देखिए, ठीक चुनाव परिणाम के बाद हम सारे लोग, हमारे आदरणीय संजय जो राष्ट्रीय जनता दल के राज्य के सचिव हैं, महासचिव हैं, प्रधान महासचिव और पूर्व विधायक हुड्डा, फिर हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश जी, हमारे जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे राजेश जी और हमारे धनंजय जी, सुरेश जी अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष, तमाम साथी आपसे मिल रहे हैं। बस मिलने का आपके माध्यम से जनता के बीच एक संदेश है, एक मैसेज है, बस इतना ही है कि हम सब आभार व्यक्त करते हैं तमाम दलों के, जिन दलों ने पूरा समर्थन इस चुनाव में दिया। राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वामपंथी और कई छोटे छोटे दल जो घोषित नहीं थे, कई संस्थाएं जो स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्थाएं, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों या फिर स्वयंसेवी संगठन हो, भारी समर्थन किया है, जिस कारण से हम सबका 6 लाख लगभग वोट आया है, 5,93,000। और गुड्डा की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, गुड्डा के लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे मुद्दों को समझने का प्रयास किया और हमें समर्थन दिया है। जो पिछले चुनाव से लगभग 5% वोट हम सबका बढ़ा है, ठीक है, परिणाम अपने पास नहीं आ पाया। हम सब सोच रहे थे कि इस बार हम सब जीतेंगे, हमारे मुद्दे जनता तक पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबों से चूक हुई है, जो कि अपने पक्ष में रहते हुए हम चोरी को रोकने में नाकाम रहे। हमारे ही वोटर को चुरा करके भारतीय जनता पार्टी ने भ्रमित करके अपने धनबल के बल पर अपने तरफ करने का प्रयास किया, जिसमें उनको थोड़ी सफलता मिली। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जनबल पर धनबल भारी पड़ा, सेवा पर मेवा भारी पड़ा है, जिस कारण थोड़े से चुनाव जीत के परिणाम इस महागठबंधन को आते आते हाथ से फिसल गया। लेकिन फिर भी जनता ने हमें पसंद किया, इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और बस इतना ही कहेंगे कि चुनाव के समय भी हम सब कहते थे, चुनाव के पहले भी और आज भी वही खड़े हैं कि भाई हम सब गुड्डा की सेवा के लिए है, आगे भी इनकी सेवा करते रहेंगे, जितना संभव होगा हर एक पल हर एक क्षण गुड्डा की सेवा में रहेगा। और अभी अपनी सरकार है, आने वाले दिनों में हम सब फिर से सरकार की जो भिन्न भिन्न योजनाएँ चल रही है, जिन योजनाओं पर भी भ्रमित करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि भाई जैसे वृद्धा पेंशन जैसी योजना है, गाँव में लोगों ने भ्रमित किया कि भाई ये भी भारतीय जनता पार्टी का पेंशन योजना है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और हम सबको काम करने की ज़रूरत होगी, उस पर हम लोग जोर करेंगे, तो जो थोड़े बहुत फिसलन है आने वाले समय में वह फिसलन भी नहीं हो पाएगा। फिर से गोड्डा के तमाम लोगों के प्रति, तमाम ऐसे छोटे बड़े लोग जिन लोगों ने, कई लोगों ने परोक्ष, कई लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन दिया, अपना एक एक क्षण दिया है, सबको, सबके प्रति आभार। आप तमाम मीडिया कर्मियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय समय पर मेरी बात
आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया है। सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही आज की यह आप सबको हमने यहाँ आमंत्रण दिया है। बस आप सबके माध्यम से तमाम लोगों को धन्यवाद। चूक कहाँ पे हुई सर? ये चूक तो हमने पहले ही कहा, एक मोटी पंक्ति कही कि भाई हम सबको लग रहा था कि हम सब इस चुनाव में अपने मुद्दों के साथ लोगों को गोलबंद कर दिए। फसल अच्छी थी खेत में, काटने के पेड़ चोरी कर गए लोग, तो उस चोरी को रोकने में हम सब नाकाम रहे और बस चोरी का माध्यम धनबल था, कोई दूसरा नहीं था। वह जो धनबल था उसमें वो सफल हुआ, जिस कारण से थोड़ी सी चूक हुई। हमें लगता है कि वह जो तीन अंतिम दिन था, अगर वहाँ हम सब सफल हो जाते उस चोरी को रोकने में, तो आज परिणाम अपने पक्ष में रहता। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गठबंधन के मंत्री भी रहे, वहाँ आप अच्छे वोटों से पिछड़ गए, तो ये क्या वजह मानते हैं? नहीं, हम कुछ वजह नहीं मानते। हम पुड़ियाहाट में खुद विधायक हैं, हम भी कुछ वोटों से वहाँ फिसल गए। ये चीज़ें होती रहती है चुनाव में। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि पुड़ियाहाट फिसले थे, फिर विधानसभा का चुनाव आया तो दोगुना वोट से हम जीत गए। ये सारी चीज़ें चुनाव का है, कुछ कारण रहते हैं। अब उसकी तो हम समीक्षा करेंगे गहराई से, तभी इसके बेहतर उत्तर दे सकते हैं। अभी उत्तर देना ये हल्कापन होगा, जल्दीपन होगा। अभी उसके उत्तर नहीं दिए जा सकते कि भाई गोड्डा में क्यों फिसले, थोड़ा पुड़िया में क्यों फिसले, मागा माम हम 25,000 से आगे आने वाले थे, मात्र 100 वोट से क्यों आगे हुए। इन चीज़ों की गहराई से जब सब हम लोग मिल करके समीक्षा करेंगे, तब इसके उत्तर दे पाएंगे। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जनता ने पसंद किया है, इसलिए तो पहले से 5% वोट अधिक हुआ। पिछले बार लगभग 455 वोट हमने लाया था, इस बार 593 वोट लाया है। जनता की पसंद है, चूक हुई है हम सबको, वो उस चूक की समीक्षा करेंगे। और चूक हमने पहले ही कहा कि धनबल जनबल पर भारी पड़ा, सेवा पर मेवा भारी पड़ा। मतगणना कक्ष से निकलते ही निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रदीप यादव ने कहा था कि संन्यास ले लेंगे, राजनीति से हार जाएंगे, तो क्या वो अपने बातों पर अड़िग रहेंगे? अपनी कई बातें उन्होंने पहले कही है, उन बातों को पहले सामने लाए, फिर हम सब अपनी बात पर आगे बात करेंगे। जितनी बातें उन्होंने कही थी चुनाव में, उन्होंने भी कहा था कि 9 लाख हम पार करेंगे, तो क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे? सर एक बात और, नेगेटिव चीज तो दिख रही है, पॉजिटिव ये है कि इंडिया गठबंधन अच्छे नंबरों से देश में आई है, तो इस पर भी आप कुछ बोलें। और आपका भी वोट लगभग 84,000 ज़्यादा आया है पिछले वोट। डेढ़ लाख कैलकुलेशन में है, लेकिन आपका भी वोट ज़्यादा आया पहले से, 1.5 लाख वोट ज़्यादा आया। देश में भी अच्छा किए हैं इंडिया, इसमें कहीं दो राय नहीं। हमने पहले ही कहा कि जिन मुद्दों के साथ राहुल गांधी जी ने महागठबंधन ने देश के सामने रखा, उन मुद्दों को जनता ने पसंद किया, उन मुद्दों के साथ देश की जनता खड़ी हुई, तब तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने फेंका जनता के बीच, उसे जनता ने उठा करके फेंक दिया। और जो देश के मुद्दे थे, बेरोजगारी, देश के मुद्दे थे रोजगार, देश के मुद्दे थे महंगाई, उन मुद्दों को पकड़ा, जिन कारण से कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन आज बेहतर प्रदर्शन किया है।